ओम नमः शिवाय। नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है पांच रहस्यमय उपाय शिव पुराण के अनुसार। अगर आप ये करोगे तो आपको भगवान शिव बना देंगे मालामाल। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आइए, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए शुरू करते हैं वे पांच रहस्यमयी उपाय जो शिव पुराण में बताए गए हैं। हरि प्रेमियों, भगवान शिव को सावन का महीना समर्पित होता है। हमारे शिव पुराण में भगवान शिव के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। उनकी जीवन लीला, उनकी कथाएं जो बताई गई है, और साथ ही इस पुराण में भगवान शिव की पूजा के व्रत नियम भी बताए गए हैं। इसी में उन रहस्यों के बारे में भी बताया गया है जिनसे भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और दुख और दरिद्रता और संकटों से हमें पार करते हैं। महाशिव पुराण में बताए गए उन्हीं नियमों में से कुछ उपाय ऐसे हैं जो हम आपको बता रहे हैं और आपको मालामाल कर सकते हैं और आपका जीवन आनंद से भर सकता है। हरि प्रेमियों, महाशिव पुराण में महाकाल की पूजा और प्राकट्य के समय हनुमान जी श्रीकर नामक एक शिव भक्त के पास आकर उस भक्त को बताते हैं कि शिव भक्ति से बढ़कर इस संसार में, इस दुनिया में कुछ भी कल्याणकारी नहीं है। जो शिव जी का भक्त होता है और बिना विधि विधान के भी भगवान शिव की भक्ति करता है, वह संसार के सभी सुखों को पा जाता है। और जो विधि पूर्वक भगवान शिव की भक्ति करता रहता है, उसकी तो बात ही क्या है। और इसी क्रम में हनुमान जी भक्त श्रीकर को शिव भक्ति के तरीकों के बारे में बताते हैं। शिव महापुराण में शिव भक्ति के बहुत से तरीके और बहुत से उपाय बताए गए हैं। आइए उन्हीं शिव पुराण से उपायों को आपको बताते हैं कि जीवन खुशहाल और धन संपन्न कैसे हो और कैसे भगवान शिव की पूजा की जाए। हरि प्रेमियों, भगवान शिव की पूजा हर दिन और हर समय किसी भी समय करना बहुत ही मंगलकारी और लाभदायक बताया गया है। लेकिन महाशिव पुराण में बताया गया है कि जो भी भक्त शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर वो उपवास रखता है और भगवान शिव की भक्ति भाव के साथ पूजा करता है, आराधना करता है, वह भक्त पूरे वर्ष भर भगवान शिव की पूजा का फल उसी एक ही दिन में पा लेता है। इसलिए भगवान शिव की कृपा की इच्छा रखने वाले शिव भक्तों को महाशिवरात्रि के दिन व्रत और फल खाकर भगवान भोलेनाथ का व्रत उपवास करना चाहिए और रात्रि काल में विशेष तौर पर भगवान शिव की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। शिवरात्रि पूजा में रात्रि काल की पूजा बहुत ही फलदायी होती है। इसकी वजह यह भी है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव का अग्निस्तंभ लिंग पृथ्वी पर पहली बार प्रकट हुआ था। इसी समय से भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पूजा आरंभ हुई थी। शिव मंत्र नंबर एक, शिव मंत्र और जप की संख्या की विधि क्या बताई शिव महापुराण में? शिव महापुराण में बताया गया कि जो भी भक्त पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का 5 करोड़ बार अगर वह जप कर लेता है तो वह भक्त
जप करने वाला स्वयं शिव के समान ही हो जाता है, यानी उन पर भगवान शिव की बहुत ही विशेष कृपा बरसने लगती है और वह शिवलोक में अपना स्थान पाता है। शिव महापुराण में बताया गया है कि भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ बार जप पूरा करने वाले भक्त पर स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की कृपा हो जाती है। ऐसे शिव भक्त स्वयं अपने लिए धरती पर सभी सुख प्राप्त कर लेते हैं और इनके दर्शन करने मात्र से मनुष्य दूसरे भी पुण्य के लाभ पाते हैं। नंबर 2, महाशिव पुराण में यह उपाय भी बताया गया कि भगवान शिव की पूजा में 6 चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इनसे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। भगवान शिव का अभिषेक करने से व्यक्ति की आत्म शुद्धि होती है। गंध चंदन लेपन से पुण्य फल प्राप्त होता है। नैवेद्य अर्पित करने से आयु में वृद्धि और संतुष्टि मिलती है। शिव जी को धूप दिखाने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव को दीप दिखाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। पान अर्पित करने से तमाम सांसारिक भोगों की प्राप्ति होती है। नंबर 3, भगवान शिव कि शिव पुराण में बताया गया कि शिव भक्ति में साधकों को कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पूजा के समय शिवलिंग के दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले साधक को माथे पर त्रिपुंड चंदन जरूर लगा लेना चाहिए। शिव जी की पूजा में बिलो पत्र का भी बहुत ही महत्व है, इसलिए भगवान शिव की पूजा के लिए बेल पत्र भी जरूर रखें। जो साधक मिट्टी के शिवलिंग बनाकर हर रोज भगवान शिव की पूजा करते हैं वह शिव के परम प्रिय होते हैं। भगवान शिव इनके सभी दुखों को दूर करते हैं। नंबर 3, महाशिव पुराण में बताया गया कि भगवान शिव अभिषेक शक्कर और गन्ने से करने से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सारी भौतिक कामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसे शिव भक्तों को भगवान शिव रोग और दुखों से बाहर निकाल लेते हैं और उन्हें बहुत धन धान्य देते हैं। साल के हर मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर जो भी भगवान शिव की गन्ने के रस और शक्कर से अभिषेक करते हैं वे शिव जी के बहुत ही परम प्रिय भक्त होते हैं और इसलिए धन की इच्छा रखने वालों को इन दोनों चीजों से भगवान शिव का अभिषेक जरूर करना चाहिए। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। हरि प्रेमियों, ओम नमः शिवाय।